कोरोना वायरस का पता चला है। WHO का कहना है ये बाकी देशों में भी फैल सकती है और बीमारी महामारी का रूप ले सकती है और नियमों का पालन करने को भी कहा गया है, जैसे मास्क पहनना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना। अरे क्या कोरोना चाइना में हुआ है, इंडिया चल के आएगा क्या? कुछ भी बातें करते हैं, चलो चलो काम पर लगो। दीदी दीदी मास्क ले लो। दीदी सुनो ना दीदी। अरे यार दीदी तो सुन ही नहीं रही है। भैया भैया ये मास्क ले लो ना। हाँ चल चल, हमें नहीं चाहिए मास्क। मेरे तो कोई सुन ही नहीं रहा। एक काम करता हूँ, मैं उन भैया से पूछता हूँ। भैया भैया ये मास्क ले लो। आप ये मास्क क्यों दे रहे हो सबको? मैं बस सबको अवेयर करना। थैंक यू भैया, आप ये मास्क हमेशा पहन के रखना। ओके बाय भैया। ओके बेटा। कोरोना ने दी भारत में दस्तक, पीएम मोदी ने कहा आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हेलो बेटा, दादी की तबीयत बहुत नाजुक है, जल्दी आ जाओ। हाँ माँ, मैं जल्दी आता हूँ। क्या हुआ इन्हें, इन्हें हॉस्पिटल भी लेके जा रहे हो? इंजेक्शन तो है पर इतने का है, ले पाओगे? ठीक है, जितने पैसे चाहिए आप ले लो, पर इंजेक्शन मुझे ही दो। सॉरी, आप इंजेक्शन लाने में लेट हो गए। अब टूटे सपनों के शीशे चुभते सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 8 जून से अनलॉक 1 का सरकार ने ऐलान कर दिया है। हालांकि आपको बता दें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। अरे तुमने मास्क ही नहीं लगा रखा है, क्या जरूरत है? अब तो लॉकडाउन ही हट गया। कम से कम पूजो का है मास्क। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा सांस लेने में भी दिक्कत होती है, कहीं भी जो कोविड हुआ तो। अरे ठीक है ना, ठीक है। जो दादी के साथ हुआ था वो मैं इसके साथ नहीं होने दूंगा। शाम हुई अब कहाँ।
सामने आई है जहाँ इंसान ने अपनों के साथ दूसरों का भी साथ निभाया, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस और बाकी सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स। इससे ये पता चलता है कि जब सब साथ हो तो किसी भी परेशानी से जीत सकते हैं।